ऑयल के आयात का प्रतिबंध लगने का असर सरसों पर अभी से दिखने लगा है। पिछले दो सप्ताह में पीली व काली सरसों के भाव में 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। सरसों के थोक आढ़तियों की माने तो आने वाले समय में कीमतों में और इजाफा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। दो सप्ताह पहले तक काली सरसों थोक बाजार में 6400 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही थी, जो अब 6700 से 6800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। वहीं पीली सरसों का भाव 8100 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल तक था, जो अब बढ़कर 8500 हो गया है। भगवानगंज मंडी के व्यापारी कहते हैं कि पिछले कुछ सप्ताह से तेल के टिन पर 25 से 30 रुपए का इजाफा हुआ है। आने वाले समय में शुद्ध तेल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। सरसों की फसल कटे हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन इस बार सीजन में भी सरसों का भाव ज्यादा कम नहीं हुआ है। जिन किसानों ने सरसों की फसल बोई थी उनके मंडी में सरसों का अच्छा भाव मिला। हालांकि जिन किसानों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है उन्होंने तो फसल उठने के तुरंत बाद बेच दी थी, लेकिन जिन किसानों की आर्थिक हालत ठीक है उन्होंने सरसों का स्टॉक कर लिया, वे भाव में और इजाफा होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आयात निर्यात मामलों के जानकार बताते हैं कि हमारे देश में पाम ऑयल का सबसे ज्यादा आयात इंडोनेशिया से होता है। इंडोनेशिया ने कई कारणों के चलते 28 अप्रैल को पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि सस्ता होने के कारण तेल निर्माता कंपनी खाद्य तेलों में पाम ऑयल की मिलावट भी बड़े मात्रा में करती है। इसी कारण खाद्य तेलों की कीमतें काफी हद तक नियंत्रण में भी रहती हैं। तेल की अपेक्षा रिफाइंड के सस्ता होने का भी यही कारण है। लेकिन अब आयात पर प्रतिबंध लगने से आने वाले समय में सरसों के तेल के भाव में भी और इजाफा होना संभव है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।